वादा करूं क्या? बोलो फटाफट बोलो। अगर मैं चल बसा तो सगाई में, गुजराती केटरर रखना। इसके अलावा कुछ भी बोलो फटाफट। नहीं नहीं, गुजराती केटरर ही रखना, और खाने में गुजराती, पंजाबी, कॉन्टिनेंटल, थोड़ा सा मराठी, थोड़ा सा राजस्थानी, दाल बाटी, उंधियू, रसपुरी, श्रीखंड, और क्या था, आइसक्रीम। महेंद्र भाऊ अब जाइए। आहो, कहाँ कहाँ चला जाऊँ मैं? अब जाइए जाइए, दम तोड़ डालिए फटाफट। लेकिन चिंता मत करना, अब चले भी जाएंगे ना तो भी हम लोग सगाई रखेंगे, और मेरा वाला केटरर ही रखेंगे, वो बुलबुल तारक केटरर। लेकिन आपको तो पता नहीं चलेगा ना कि खाने में क्या क्या बना है, क्योंकि आप तो बेचारे है कि नहीं, बोलो। हाँ है उर्मिली, ये तो देख जो तो। अरे आपका हार्ट अटैक किधर गया? गुजरात चला गया क्या? गया किधर? हार्ट अटैक किधर गया? अहो मैं शांत ही हूँ। तो धोखा ऐसे चिल्लाइए? हाँ, इतना बड़ा धोखा दिया इन्होंने हमें। नहीं, वो बुलबुल तारा केटरर वाला सदाशिव परचुरे, वो धोखेबाज है। उसने धोखा किया, ऐसा चिल्लाइए आप। मुझे अभी याद आया, वो खाने में मिलावट करके गंदा खाना बेचता था सस्ते में, मैंने अखबार में पढ़ा था। गुजराती केटरर फाइनल। और ये बात तुमको अभी याद आई? पहले तो उसकी अक्कल ठिकाने लगाता हूँ मैं। मेरा अभिषेक किधर है? अभिषेक, अरे बाड़ा, अभिषेक को बुलाओ। बराबर। ए अभिषेक, हाँ ले जा रहे हो? एक मिनट। ये सब क्या है? तुम्हें अच्छा नहीं लगा? बहुत अच्छा लगा। सिर्फ इतना ही नहीं है, एक मिनट। अभिषेक ये देखो, चद्दर तान के मस्त सो रहा है। ए अभिषेक, उठ रे बाड़ा, उठ। अभिषेक बाड़ा, उठ रे अभी। अच्छा प्रभाकर दादा, आपका वो नया वाला गीत है ना, वो जरा सुना ना तो। जरूर जरूर। नदी मीठी होती है क्योंकि नहीं होता है उसमें नमक, मिठाई मीठी होती है क्योंकि नहीं होता है उसमें नमक, तो नदी मिठाई एक हुए, चड्डी चटाई एक हुए। बस बस प्रभाकर दादा बस। अरे आपका ऐसा गाना सुन के तो लाश भी खड़ी हो जाती है। मत बोलो प्लीज, ऐसा मत बोलो, मत बोलो ऐसे बोल के। ये क्यों नहीं उठ रहा है? बस क्या केशव, अरे मेरा गीत सुन के भारती की बहन रजनीगंधा, उसने तो सीटी मारी थी जोर से। कहा आपके सर पे ना? ऐसा बंद करो, बंद करो, बंद करो। ऐसा बोल के वो स्टील के कुकर की वो भारी वाली सीटी है ना, कहीं तेरी का है। गप्पो बसा, कुछ तो गड़बड़ है। पीछे को ये तो तकिया है। हाँ, तकिया में भी लिखा है गाना, सुन। तकिया नर्म होता है क्योंकि होती है उसमें रुई, साइकिल की सीट नर्म होती है क्योंकि होती है उसमें रुई, तो साइकिल की सीट तकिया एक हुए, अखरोट गांठिया एक हुए। प्रभाकर दादा बस बंद करो, दया करो। अन्ना अभिषेक,
तुम इतने रोमांटिक हो मुझे पता नहीं था, लेकिन अचानक से क्यों? सरप्राइज, तुम्हें ये सब बहुत पसंद है, रोमांटिक कैंडललाइट डिनर, सॉफ्ट म्यूजिक। मतलब सच में तुमने मुझ पे पूरी रिसर्च की है? वाओ, आई एम इम्प्रेस्ड। हाँ, लेकिन एक बात अधूरी है। कौन सी? वो क्या है ना, ये सब अरेंज करने में मेरे सारे पैसे खर्च हुए। तो डिनर नहीं है? नहीं है ना। थैंक यू। मस्त पिठलं भाकरी आणि भाकरवडी। भाकरवडी? हाँ सॉरी, तब ये खाना थोड़ा सा मामूली है, लेकिन नहीं, इनफैक्ट मेरे लिए सबसे ज्यादा स्पेशल खाना है। किसी एग्जॉटिक खाने से कम नहीं है ये। मेरे लिए तो तुम इम्पोर्टेंट हो अभिषेक। जब हमारी शादी हो जाएगी ना, तब तुम जितना भी कमा के लेके आओगे, मैं उतने में हमारा घर चला लूंगी, गुजारा कर लूंगी। आई एम सो ईगर अभिषेक। मैं ना अब तुम्हारे साथ हमारे घर में रहना चाहती हूँ। हंसना चाहती हूँ, रोना चाहती हूँ, गाना चाहती हूँ, नाचना चाहती हूँ। गायत्री, मैं मुझे कल के कल मेरी डिपॉजिट के पैसे वापस चाहिए सदाशिव। आहो, मैं शांत ही बुलबुल तारा केटरर मिलावट करता है, इसका सबूत है मेरी आहो के पास। आहो, मैं शांत ही हूँ। सुनूंगा, मैं ये सुनूंगा, डिपॉजिट वापस कर दी ना तो तेरे पिताजी के खोए हुए बुलबुल तारा की पूरी कहानी सुनूंगा मैं। अन्ना, अन्ना, अभिषेक है ना? अरे वो तो मेरा राम है, राम। अरे हो आपका वो आज्ञाकारी सुपुत्र, वो हमेशा मेरा काम मानता है। वो अभी कमरे में नहीं है। रात के 12:30 बजे गायत्री के साथ कहीं रोमांस करने गया है या कहीं भाग गया है। भाई 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 भाई, कहीं अभिषेक गायत्री को भगा कर तो नहीं लेके गया शादी करने के लिए? शुभ शुभ बोल भारती, शुभ शुभ बोल। बराबर, कहीं गायत्री अभिषेक को भगा कर तो नहीं लेके गई शादी करने के लिए? ये तो सेम था भारती, शुभ शुभ बोलो मतलब ऐसा बोलो कि कहीं अभिषेक किसी और लड़की को तो भगा के नहीं लेके गए शादी करने के लिए, है ना अन्ना? ये तेरा वाला शुभ शुभ था? कहाँ है अभिषेक? अभिषेक कहाँ है? वहिनी, ये कैसा पूछा मार रही हैं आप? ओके भाई, निगाह बंद करो। वो शायद नई वाली सुनी नहीं है अन्ना ने, सुना दीजिए, शांत हो जाएंगे। नहीं नहीं, वो गुस्सा करेंगे केशव। प्रभाकर दादा, मुझ पे भरोसा नहीं है, मैं छल करूंगा। ठीक है ठीक है, मैं ही बोलता हूँ। मैं जाता हूँ।
अन्ना, नदी मीठी होती है कि... अहो, मैं शांत नहीं रहूंगा। रात के 12:30 बज रहे हैं और वो लड़का वो तुम्हारा अभिषेक मेरी गायत्री को लेकर के प्रभाकर जी अन्ना, समय क्या हो रहा है जरा बता। अभी नहीं नहीं, कभी भी, सुबह 9 बजे, दोपहर के 4 बजे, जब तेरा मन करे तभी बताना कि तभी समय क्या हो रहा है। बेअक्ल, क्या क्या क्या, हाँ क्या बोला तू अभिषेक? मेरी मर्जी, मेरा मन करेगा तब मिलूंगा गायत्री से, हैं? अच्छा नहीं, अभिषेक तो बोला कि केशव ने दुकान पे एक गरीब आदमी को जमीन पे गिरी हुई भाकरवड़ी बेची। क्या गरीब के साथ छल किया तूने? अन्ना, मैं तो सिर्फ गायत्री को एक छोटा सा सरप्राइज देने के लिए बाहर लेके गया था। मैंने अपने हाथों से आपकी बनाई हुई मिसल भाकरवड़ी उसे खिलाई। वो खुद बोली, वाह अन्ना के हाथों में क्या जादू है। बस बस अभी, वो जादू हो गया मुझसे तो हो गया। अरे नहीं 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 अन्ना, नहीं, आप तो अन्नपूर्णा के वंशज है, मेरी तरह। तेरी तरह? तेरी तरह? अरे इतना महान कहा हूं मैं, भूल गए भूल गए। अन्ना, आपकी बनाई भाकरवड़ी कल्प वृक्ष से तोड़ा फल है जिसका स्वाद जुबां पे अमर बन जाता है अन्ना। अरे बस बस बस, अभी रुलाएगा क्या कवि महोदय? अरे मेरे पिल्लू। अरे अभिषेक, आ गया तू गायत्री से मिलके इतनी रात को? अरे हाँ अभिषेक, इतनी रात को मेरी बच्ची के साथ घूमने गया था तू? हमारी परंपरा, हमारे संस्कार का जरा भी विचार नहीं आया तुझे? आहो, अरे क्या आहो जोचना, हमारे जमाने में कितनी मर्यादा में जीते थे हम, हा? बोलू क्या अभी बोलू? मैं तेरे आई को देखने गया था ना, तभी भी मैंने इसे देखा नहीं था। जोत्सना याद है क्या? बाबा आजा आजा, बैठ बैठ। ये है मेरा बेटा बालकृष्ण। काढ़वा इधर, लड़की के माँ बाप इधर बैठे हैं, प्रणाम इधर कर। प्रणाम प्रणाम। जीते रहो। क्या काम क्या करते हो बेटा? यह महादेव पेठ में ही हमारी दुकान है, भाकरवड़ी बेचते हैं। अरे वाह, दुकान पे बेचते हो? नहीं नहीं, हम तो पागलखाने में, कब्रिस्तान में, मुर्दा घर में भी बेचने लगे हैं आजकल, लेकिन मुर्दा घर में ज्यादा बिक्री होती नहीं है, पता नहीं क्यों। क्या काढ़वा? ऐसे बुजुर्ग वडिल से ऐसे मजाक करते हैं? अरे क्षमा करना क्षमा, मैं थोड़ा व्यंग करता। इसकी हंसी सुन के ही मुझे पसंद आ गई थी, ये तो मुमकिन नहीं था वैसे बात बीत करना, लेकिन फिर भी ख्यालों में तो मैं निकल ही पड़ा था। मैं भी, है ना? लगता है हमारी बेटी को पसंद आया आपका बेटा। बाबा, मुझे इनकी सुपुत्री पसंद है। गाढ़वा बेशरम, नजर नीचे नजर नीचे।
क्षमा करना, क्या है कि हमारा बाड़ू पहली बार लड़की देख रहा है तो। अच्छा, हमारी बेटी भी पहली बार लड़का देख रही है। अरे वाह, फिर तो दूसरा लड़का देखने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि मेरी तरफ से हाँ है। गाढ़वा, निर्लज्ज, तू कौन होता है हाँ बोलने वाला? शादी मुझे करवानी है या तुझे? तुझे सिर्फ शादी करनी है, बाकी सगळं मी ठरवीन। बेटी, कहाँ तक अभ्यास किया है तुमने? काका, दसवीं कक्षा फर्स्ट क्लास में पास की है, आगे पढ़ना था लेकिन। हमने कहा लड़की हो, इतना बस है? अरे ऐसा क्यों, आप कौन होते हैं बस बोलने वाले? लड़की लड़कों से और भी गुणवंती होती है, ये रोटी बना भी सकती है और कमा भी सकती है, घर बसा भी लेती है और चला भी लेती है। गपो बस। मुझे जो कहना था वो मैंने कह दिया बाबा। काका, मुझे आपकी सुपुत्री पसंद है। और इसकी लज्जा बता रही है कि इसके मन में भी मेरे लिए हाँ ही है कि नहीं? हाँ। नहीं नहीं ऐसे नहीं, पहले मुझे बोलने तो दो, है कि नहीं? बोलो हाँ, अब फिर तुम्हें हाँ बोलना है, ठीक है? तो तुम्हें भी मैं पसंद हो, है कि नहीं? बोलो हाँ। हाँ हाँ। कप्पा बस, क्या है कि आज बाड़ू थोड़ा बावरा हो गया है ना? गौड़वा, जिसका नाम भी नहीं पता उसके साथ विवाह करने जा रहा है तू? क्षमा करना, सारी बातों में तुम्हारा नाम पूछना तो भूल ही गया। मेरा नाम बाड़ कृष्ण है, और तुम्हारा? इश। बहुत सुंदर नाम है आपकी बेटी का, इश।